पानि के अथी अयलै महज ओकरा कहलियै ने खराब भए गेलै कहियो पानि नहि चललै हमे कहियो ने पानि पीलियै शिकायत केलियै हाँ शिकायत केलियै केकरा शिकायत केलियै वार्ड नंबर वार्ड मेंबर मतलब शिकायत केला के बाद ओय पर कोई ध्यान नहि देल गेलै ध्यान नहि दै छै अहाँ के मतलब वैसे आगुओ कहीं शिकायत गेलै ने अब आगु गलै या की कलकै नहि कलकै हमे आर तऽ कहैत रहियै अहाँ सब आदमी मिल के कहलियै ने हाँ सब आदमी कहैत रहै पानि नहि चलै छै कहियो ने पानि चलै समस्तीपुर जिले की सिंघिया प्रखंड अंतर्गत सिंघिया पंचायत एक के टारा वार्ड संख्या 15 में जितने भी दलित परिवार हैं, उन सभी के घर में 2 साल पहले मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत नल जल का पाइप लगाया गया, परंतु यहां के जितने भी ग्रामीण हैं, उनको आज तक नल जल योजना के तहत एक बूंद भी जल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। परंतु नल जल के बहाने यहाँ के ग्रामीणों से अवैध रुपयों की वसूली भी वार्ड मेंबर विजय ग्रह एवं पानी टंकी संचालक कन्हैया कुमार मुखिया दीपंकर दास के द्वारा की गई। उसके बावजूद भी यहां के ग्रामीणों को एक बूंद नल का जल नसीब नहीं हुआ। यहां के ग्रामीणों के द्वारा वार्ड मेंबर विजय ग्रह को नल जल का पानी नहीं आने के संबंध में शिकायत भी की गई, परंतु उन्होंने कहा कि हम नल जल के संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। यह शब्द वार्ड मेंबर विजय ग्रह के द्वारा कहा गया और अवैध उगाही कर ग्रामीणों को बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ के ग्रामीण नल का एक बूंद जल के लिए तरस रहे हैं। आइए बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल का जल, जिसकी हालत यहाँ के कुछ दबंग प्रतिनिधि और दबंग अधिकारियों के द्वारा बदहाल किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है। बीएनपी न्यूज के लिए सिंघिया से संवाददाता रामनंदन साहू की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनंदन साहू और आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। मैं सिंघिया पंचायत एक के टारा गांव वार्ड नंबर 15 में आया हुआ हूं। यहां पर देखिए ये दलित बस्ती का परिवार है, यहां सारे दलित बस्ती ही हैं और यहां पर शिकायत किया गया है जो इन लोगों का नल जल योजना जो है सो अभी तक चालू नहीं हुआ है, इनको लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। किस तरह से इनको लाभ नहीं मिल रहा है हम आपको आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। पे प्रत्येक घर में नल जल का यही हाल है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से अभी एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा है, देख सकते हैं, और पानी का कोई दरस ही नहीं है। यह हम आपको दिखा रहे हैं, टूट फूट गया है, यह भी ठीक होना चाहिए जल्द से जल्द। जी आप लोग जो इस नल जल का शिकायत किए हैं वो आवेदन उवेदन है आपके पास? जी है, ये रहा आवेदन देने के बाद भी 26/3 के कहने रही है 26/3 के ये आवेदन दिला के बाद पर कोई कार्रवाई भले? कोई कार्रवाई अखन तक नहीं भले। नहीं भले तो हार फिर मतलब सब मिल के आवाज उठेलिए, मतलब वार्ड मेंबर आर के बोलिए रे जे? जी वार्ड मेंबर के बोलने रे, बोलिए कै बेर ने बोलिए, 2-4 बेर बोलिए, कल के हमें ब्लॉक के सौंप देने ही है। अच्छा, ये काम ब्लॉक करते? हाँ ब्लॉक करते। वार्ड मेंबर अहाँ के बार बार यह बात कह के टहल रहा है? हाँ यह बात कह के टहल रहा है। अच्छा, ये काम जो नल जल वाला भले रहे कते दिन पहले भले से बताबू? करीब 2-2.5 साल पहले भले रहे। अच्छा, 2-2.5 साल से नल जल ज्यों के त्यों पड़ल छे, अभी तक इमें एक बूंद भी पानी नहीं ले। ज्यों के त्यों पड़ल छे। अच्छा, सुने में लेने यहाँ पर वार्ड मेंबर के द्वारा पैसा असूलल गले नल जल के? हाँ वो कुछ असूलल गले है ना, वो टोल में असूलल गले, कुछ आदमी दल के कुछ नहीं दल के। आइए हम आपको दिखा दे किस तरह से पानी नहीं जाने के बाद भी यहाँ के वार्ड मेंबर द्वारा नल जल में पैसा वसूली किया गया है, ग्रामीणों को पानी नहीं गया और फिर भी पैसा वसूला गया, बताइए। यह है नल जल, हमारे बिहार के नल जल का हाल देख सकते हैं। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, हर घर नल पहुंचना चाहिए, लेकिन यहां तो हर घर नल है लेकिन जल मौजूद ही नहीं है। आप हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में, देखियो एना नलो हिल रहा है, देखे छे, देखिए पानी सरकार के योजना। आइए दिखाते हैं और आगे आपको। पाइप टूट गले हन, ठीक क्या दे छे? अच्छा, नल जल वाला पाइप आर सब टूटल छे, शिकायत केला के बावजूद कोई ठीक करे नहीं आबे। हाल जो है इतना बदहाल है जो यहाँ के वार्ड मेंबर विजय ग्राय के द्वारा इस पाइप की सुध भी नहीं ली गई है, देख सकते हैं आप। और यहाँ के मुखिया कौन है? शंभू साहू, उनके द्वारा भी कोई सुध नहीं लिया गया है। देखिए पाइप जहाँ तहाँ से टूट के पड़ा हुआ है और अभी तक पानी का तो कोई दरस ही नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा यही कहा जा रहा है, देखिए इस तारा ग्राम के 15 वार्ड में जो यहाँ पे बस्ती है, इन पे पानी अभी तक नहीं पहुँचा है और इन लोगों को शिकायत करने के बाद भी एक भी घर में नल का जल अभी तक
नहीं गया है, जिसके वजह से यहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान रहते हैं और धूप भी काफ़ी कड़क है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है पानी पीने के लिए इन ग्रामीणों को।